अगर आपके फायर स्टिक के रिमोट में बाकी सभी बटन सही से काम कर रहे हों और वॉल्यूम अप डाउन और पावर का बटन काम नहीं कर रहा हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ। पहले आप होम बटन दबा के सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स में आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे, इक्विपमेंट कंट्रोल एक ऑप्शन दिख रहा है। इस पर जैसे ही ओके करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा एड इक्विपमेंट, या फिर किसी के टीवी में यहाँ पे टीवी या चेंज टीवी का ऑप्शन हो सकता है, तो आप उस पर क्लिक करें, बाकी आगे का प्रोसेस सेम रहेगा। तो जैसे एड इक्विपमेंट में मैंने ओके किया टीवी पे ओके करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा सेटअप करने के लिए। टीवी अगर आपके टीवी का ब्रांड यहाँ पे शो कर रहा है तो आपको सिंपली यस पे क्लिक कर देना है। हम ऑन ऑफ करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा टीवी ऑफ हो गया है और ये वापस से ऑन भी हो गया है, और सिंपली यस पे ओके कर देंगे। अप डाउन करके चेक कर सकते हैं इसकी सेटिंग हुई है सही से या नहीं हुई है। ये देखिए मैं वॉल्यूम अप डाउन कर रहा हूँ, टीवी का हो रहा है, टीवी ऑन ऑफ भी हो रहा है।